कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, तो कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। विकलांगता एक ऐसा अभिशाप माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन को निराशा की ओर ले जाता है, लेकिन कई लोग, कई संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने समाज के इस अभिशापित नज़रिए को वरदान में बदलने के सफल प्रयास किए हैं। ऐसी एक संस्था स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे पर, जिसका नाम है विकलांग कल्याण संघ, वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड। विकलांग कल्याण संघ वर्ष 1981 से विकलांगों के कल्याण में अपनी बहुआयामी गतिविधियों के द्वारा विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा संस्था में एक रोजगार इकाई चलती है जिसमें बच्चे आफ्टर 12th आते हैं, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा उनको रोजगार सुविधाएँ दी जाती है और कोई व्यापार यदि वो करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। उसके लिए कलेक्टर द्वारा एक रोजगार अधिकारी हमारी संस्था में बिठाया गया है जो उनकी सारी गतिविधियों का आयोजन करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ सन 2011-12 से RCI से मान्यता प्राप्त DED कॉलेज भी चल रहा है, जो DED कॉलेज DED स्पेशल एजुकेशन HI है जिसका पूरा नाम। उसमें बच्चे श्रवण बाधित बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद इन बच्चों को 100% प्लेसमेंट दिया जाता है। मतलब आज हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चों को नौकरी मिली है। जो 30 बच्चे आते हैं उनमें से 30 बच्चों को हर साल कहीं ना कहीं नौकरी मिल रही है। अधिकतर बच्चे राजस्थान और UP में जाते हैं और इनको 30 से 40 हज़ार रुपये मिनिमम वेतन पे ये बच्चे काम कर रहे हैं। संस्था द्वारा निःशक्तों को कंप्यूटर, खेल आदि का व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं बधिर बाल विशेष विद्यालय में मूक बधिर छात्र छात्राएं निशुल्क आवास एवं भोजन के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरा नाम मोना गौड़ है और मैं यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के पद पर हूँ। यहाँ पर हम लोग HI बच्चों को पढ़ाते हैं जो सुन बोल नहीं सकते, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। पढ़ाना इनका नॉर्मल बच्चों जैसे ही रहता है, बस हम लोग इनको फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, लिखित पर्ची ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। और हम लोग यहाँ पर इन बच्चों को पेंटिंग भी करवाते हैं, बच्चे पेंटिंग भी करते हैं। प्लस यहाँ पर हम लोग बच्चों को गेम्स भी करवाते हैं, गेम्स में खेल खेल में हम इन बच्चों को सिखाते हैं। गेम्स में भी बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह सभी गेम्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, शतरंज, खो खो, घोड़ा बादाम छाई, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब खेलना इन बच्चों को बहुत पसंद आता है और नॉर्मली बच्चों के जैसे ही आराम से ईजिली खेलते हैं। न केवल निशुल्क आवास बल्कि अन्य गतिविधियों के साथ साथ मूक बधिर छात्रों को भिन्न भिन्न तरीके जैसे चार्ट्स, सिंबल्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, संपर्क में आने वाले 12 वर्ष से कम के श्रवण बाधित बालक बालिकाओं एवं 18 वर्ष से अधिक के निशक्त जनों को उचित शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संगठन से संपर्क करने हेतु प्रेरित करते हैं। समाज में लानी होगी जागृति, विकलांगजन सशक्तिकरण को दीजिए गति।